हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अगरवाल फ्रॉम कलकत्ता। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि 13 अप्रैल यानी सैटरडे को हम लोग का बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है कलकत्ता के सेंजेवियस कॉलेज ऑडिटोरियम के अंदर। उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखेगा, इसमें आपको गेस्ट लिस्ट पता चलेगा और लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। अच्छा, ये सेमिनार को दो फेजेस में बांटा गया है। 13 अप्रैल वाले सेमिनार को पहला फेज जो है .1 PM स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू एंडेड बाई 2:30। 1 hour 30 minutes का, डेढ़ घंटा का ये सेमिनार रहेगा दोस्तों। ये जो 1 से 2:30 बजे तक का सेमिनार रहेगा, ये इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। और फिर 3 बजे वाला जो सेमिनार रहेगा, जो थोड़ा लंबा चलेगा 3 से 5 hours का, वो रहेगा करियर काउंसलिंग सेमिनार, जिसमें जिन लोगों ने अभी क्लास 12 के एग्जाम्स जो है वो दिए हैं अप्रैल मंथ या मार्च मंथ में 2019 में, उन लोग को सारे कोर्सेज के बारे में गाइड किया जा सके। Unbiased opinion about all the courses, whether it be CS, CSCM, Actuary, LLB, CFA, etc. ठीक है? अब second phase वाला जो seminar रहेगा, उसमें आपको पूरा proper advice मिलेगा, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, career selection on the basis of time span, investment opportunities, scope of work, interest and pay packages, ये सारे parameters पर आपको career select करना है। Guidance by the corporate experts and heads from various institutes, जी हाँ, हम लोग के यहाँ पर मैंने इनविटेशन दिया है सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट के डिग्निटरीज को, ठीक है, एलएलबीस को, एमबीएस को फ्रॉम आईएम्स एंड इंक्लूडिंग आईएम फैकल्टीज को। तो ये पूरा जो सेमिनार रहेगा ना, ये एकदम आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो है ना, ये रह सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक मंच पर हेड्स ऑफ द अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट दिखने वाले हैं, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज दिखने वाले हैं, डिग्नेटरीज दिखने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स दिखने वाले हैं, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट के डिग्नेटरीज दिखने वाले हैं, आई एम फैकल्टीज दिखने वाले हैं एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पर्सनालिटीज आपको दिखने वाले हैं। सो गाइडेंस बाय द कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स एंड हेड्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो करियर काउंसलिंग सेमिनार रहेगा वो रहेगा 3 बजे से, जो कि अटेंड करेंगे जिन लोग क्लास 12 दिए हैं या फिर जस्ट कोई भी कोर्स का फाउंडेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहां जाना है, मोहित अग्रवाल classes.com में जाना है। वहां पर आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा टू रजिस्टर योरसेल्फ। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस प्रकार, मोहित अग्रवाल classes.com में जाइए, दिस इज अ वेबसाइट। यहां पर आपको अपना 2 fields है, वो 2 fields को सबमिट कर देना है, यू विल बी रजिस्टरिंग योरसेल्फ। Okay, in this manner you can register yourself दोस्तों। और जो मैं बार बार बता रहा हूं, 2 phases में सेमिनार को बटा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1 PM सेमिनार इज स्पेसिफिकली फॉर इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स एंड 3 PM इज अ करियर काउंसलिंग सेमिनार। अब मैंने अभी करियर काउंसलिंग सेमिनार का बात कर दिया, आप लोग जाकर के रजिस्टर करवा लीजिए अगर अभी तक नहीं करवाए हैं। जो एंट्री रहेगा वो तभी होगा जब आप लोग को हम लोग की तरफ से मैसेज आएगा, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मिल रहे हैं, अभी भी कुछ सीट्स खाली है, तो आप जाकर के फटाफट इनरोलमेंट करवा लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। नाउ कमिंग टू 1 PM वाला सेमिनार, ये इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या बात करने वाले हैं, ये बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट को आखिर चाहिए क्या स्टूडेंट से, कॉर्पोरेट्स को आखिर स्टूडेंट से क्या चाहिए, क्या रैंक होल्डर्स को रैंक लाने के लिए क्या चाहिए एंड टीचर्स को स्टूडेंट से क्या चाहिए। तो इंस्टीट्यूट का व्यू पॉइंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का व्यू पॉइंट, टीचर्स का व्यू पॉइंट, रैंक होल्डर्स का व्यू पॉइंट, सब आपको 1 से 3 के बीच में जो है वो सेमिनार में मिल जाएगा। और 3 बजे वाला सेमिनार में आपको अपना पूरा करियर काउंसलिंग जो है वो मौका मिलेगा, और आप बिल्कुल अपना डाउट्स भी पूछ सकेंगे करियर काउंसलिंग सेमिनार में, और आपको सारे पैरामीटर्स पर अलग जो है प्रेजेंटेशन बना रखे होंगे, वो डिस्कस करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले, ठीक है। डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, वो बंदे पर डिपेंड करता है कि उसको सही बनाता है कि गलत, बट एटलीस्ट यू हैव टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। योर डिसीजन मे बी राइट मे बी रॉन्ग, वो फ्यूचर बताएगा, बट कम से कम आप डिसीजन जो ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के साथ लीजिए। तो ये एक बात हो गया। अब जो गेस्ट लिस्ट है उसमें हम लोग के पास कौन कौन है, ऐसे तो मैं नाम बताना प्रेफर नहीं करता इवेंट के पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर रुकावट पैदा करना चालू कर देते हैं, ठीक है। एक तो चीज समझिए, ये सेमिनार्स वगैरह जो है ये मेरे को इससे कोई फायदा नहीं होना है, कलकत्ता में मेरे को सब जानते हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया आप लोग का प्यार जो है वो मेरे साथ बना हुआ है। तो ये सेमिनार एक्चुअल में स्टूडेंट को पुश चाहिए रहता है, खासकर जो इंटर फाइनल कर रहे हैं उन लोगों को पुश चाहिए रहता है, मोटिवेशन चाहिए रहता है, ठीक है, उन लोग को पूरा फ्यूचर जो है ना उन लोग के सामने होना चाहिए,
कि अगर वो लोग कोर्स कर ले तो उसके बाद व्हाट इज इन स्टोर फॉर देम, इसलिए सेमिनार किया जा रहा है, इसका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और 3 बजे वाला सेमिनार अगेन करियर काउंसलिंग सेमिनार, ताकि क्लास 12 के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन तो कम से कम मिले, ताकि उन लोग फिर अनबायस्ड होकर के अपना खुद का डिसीजन जो है वो ले सके। जो है जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको ये चीज, ये कॉज सपोर्ट करना चाहिए, मतलब क्या हो फिर मैं करूं ही नहीं ये सब चीज, ठीक है, कोई नहीं करता मैं भी नहीं करूं, क्योंकि कोई नहीं करता मैं भी नहीं करता हूं, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। एटलीस्ट जब बंदा कोई कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए आप। ओके, तो ये सेमिनार्स के बारे में बात हो गया। अब आपके लिए जो सरप्राइज एलिमेंट है, वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है दोस्तों? सरप्राइज एलिमेंट है कि हम लोग सबके पास बहुत रिसोर्सेज है। हम हमेशा क्लास में बोलते हैं कि आप लोग लकी हैं, सब बच्चे बोलते हैं यस सर वी आर एब्सोल्युटली लकी, आप पढ़ते हैं और कि हम लकी हैं क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं और हम लोग के पास वंडरफुल पेरेंट्स है, रिसोर्सेज है। बट इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, उनको अगर सक्सेस चाहिए वो सक्सेस ले करके रहते हैं, फिर चाहे उनके पास रिसोर्सेस हो या नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं जिस इंसान के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं उनका एक वीडियो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। हे क्षितिज जनेजा, ठीक है, सीए इंटर उन्होंने क्लियर कर रखा है दोस्तों, और बहुत उनका राइटिंग स्पीड जो है ना बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं बुला रहा हूँ, हाँ इसीलिए बुला रहा हूँ। बट एक चीज और है कि God has been kind to him, but God was not that kind in the manner कि when he was in class 3 or 4, an accident took place, और उनके जो दोनों हाथ हैं, God ने उनसे छीन लिए थे। अब ऐसे मोमेंट पर या तो आप ब्रेकडाउन हो जाओ, कुछ मत करो, या फिर बहुत कुछ कर लो। इन्होंने बहुत कुछ किया and he's an inspiration for me also and others also. तो दोस्तों एक बार उनका एक मिनट का वीडियो जो है वो देखिए। The current was just flowing inside my body. It just entered through my hand, passed through my entire body and just left off with my feet. I am Kshitij Janeja. I was 8 when I got engaged in a electric accident when I was flying kites with my friend on my rooftop. It's been 15 years since then and I have just moved on ahead with it. I remember that pain in my head when I struck it with the ground. I remember like passing through different ambulances, searching for a hospital which can actually equip me with the facility of that thing. I was able to do most of the things that others were doing, be it cycling, be it playing football, be it anything. Life overall has been very great to me. I completed my high school with a distinction, then moved on to the best college across Asia, SRCC, and now I am here in IIM Bangalore. I am what I am. I do believe in myself. It is just the perception by which you are seeing your challenges. It is that will that goes behind what is making you do that work. That inspires many people, and there are many people who just lose hope. I want to help those people. I want to tell them that it's not the end. It is never the end. जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हम लोग के साथ मौजूद रहेंगे on Saturday throughout the day. तो Saturday दोनों phases of seminar में हम लोग के साथ मौजूद रहेंगे, ताकि अपने life experience से हम लोग को motivate कर सके और हम लोग का नजरिया life के प्रति बदल सके. That we have ample resources, ample opportunity. We have there. The path is there. We just have to work on it. Come and enlighten yourself, boys and girls, on Saturday, 13th April, 1 p.m. वाले सेमिनार में इंटरफाइनल एंड 3 p.m. वाले सेमिनार में करियर काउंसलिंग, एंड हम लोग सब मौजूद रहेंगे अपने टीम ऑफ फैकल्टीज के साथ, मोटिवेशन स्पीकर्स के साथ एंड लाइफ चेंजिंग पर्सन्स के साथ. ओके, बाय.